हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लाए हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी मेरी न्यू जॉइनिंग होगी किसी भी गाड़ी के ऊपर तो मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। कौन सी वो गाड़ी है, क्या कुछ उसका स्पेस है। तो ये एक न्यू ही गाड़ी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, नई गाड़ी है। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ, क्या कुछ इसके अंदर दिया हुआ है, क्या कुछ इसके पार्ट हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे पुराने व्यूअर्स हो तो उनके लिए शुक्रिया। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो देखिए पूरा स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ इसका, क्या कुछ इसमें सिस्टम है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन सब चीज़ों को बताने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अपनी सभी वीडियो में इनके बारे में बता रखा है जो फ़िलहाल आपको दिख रहे हैं। थोड़ा सी इसमें चेंजिंग है यहाँ पे, और चेंजिंग क्या है वो देखिए। यहाँ पे हैंड ब्रेक ये नीचे की साइड है, थोड़े से जो है लेफ्ट साइड दिए हुए हैं। गियर जो है वो भी इसके थोड़े से अलग हैं, टाटा में अलग हैं और आइसर में इसके अलग हैं। ये देखिए इस तरीके से इसके जो है गियर दिए हुए हैं। तो इसको लगाने के बारे में मैंने आपको फुल बता रखा है, ये कोई नई बात नहीं है। और यहाँ पे फैन जो है, पंखे, पंखे की यहाँ पे नई बात है, क्योंकि ये उन गाड़ियों में नहीं होता है। तो ये पंखे जो हैं बहुत ही अच्छी हवा देते हैं, ज़्यादा आपको गर्मी में नहीं रहने देंगे, ये आपको एक अच्छी जो है हवा दे सकते हैं। तो ये कंपनी इनको गाड़ी में लगा कर रखती है, ना कि हमें ये लगाने पड़ते हैं। और यहाँ पे जो है डैग वगैरह ये लगा कर रखे हैं, जब भी म्यूजिक हमें सुनना होता है। तो ये जो है दोनों स्विच ये पंखे के दिए हुए हैं, ये ABS सिस्टम यहाँ पे चालू है 24 वोल्ट में। यहाँ पे ये एक ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, और जो भी कुछ है मैंने आपको दिखा रहा पीछे की तरफ। ये यहाँ पे दो खिड़कियाँ के डोर दे रखे हैं, शीशे दे रखे हैं, इमरजेंसी या हवा के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो सीट है वो भी बिल्कुल अलग हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे हम अपना सीट बेल्ट बांध सकते हैं, और ये यहाँ पे कोई बोतल रखनी हो या फिर कुछ यहाँ पे सामान रखना हो तो वो यहाँ पे रख सकते हैं। और इसके जो क्लच, रेस ब्रेक एंड क्लच, ये तीनों इसमें सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। केबिन जो है इसका प्लास्टिक का केबिन है, इसका केबिन वैसा नहीं है, काठ का लकड़ी वाला प्लास्टिक का केबिन है। ये आइसर का यहाँ पे एक लोगो होता है, स्टेयरिंग के ऊपर ये देख लीजिए, ये आइसर का यहाँ पे लोगो बना के रखा है। जो भी लोगो होता है गाड़ी का वो आपको मिलेगा कहाँ पे, स्टेयरिंग के ऊपर ज़रूर आपको मिलेगा, कभी भी आप ये ध्यान में रखना। तो इसके खिड़की के लॉक वगैरह ये इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एक बार हम अपना जो है फेस भी आपको दिखा दें तो आप सोचोगे कि आपने कभी भी अपना फेस नहीं दिखाया। तो वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, चलाने वाली भी बहुत जल्दी आपके सामने ये वीडियो अपलोड होगी, चलाते हुए हम आपको दिखाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो फिलहाल अब मैं गाड़ी के अंदर ही हूँ, तो कहीं पे गया नहीं हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।